हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यानी भौतिक जगत एवं मापन, और इस चैप्टर के जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनते थे वो सारे ही ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। एक दो थ्योरेटिकल टॉपिक इस चैप्टर में अभी भी बाकी है जो हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की जो कि सार्थक अंक और पूर्णांकित करने से रिलेटेड हैं। देखिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आएगा। हमने सार्थक अंकों के और पूर्णांकित करने के नियम पढ़ लिए, लेकिन उन नियमों को जब अपन यूज़ करेंगे तो वो नियम हमें और बेटर ढंग से समझ में आएंगे, इसलिए हम उन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डील करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको करा रहा हो ये आपके एनसीईआरटी बुक के टेक्स्ट बुक जो है उसमें पीछे एज एन एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप वहाँ से भी इनको लिख सकते हो और यहाँ पे भी मैं आपको सॉल्व करा ही रहा हूँ। इसके अलावा आप जो कुछ मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं अभी तक उस पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने लगाइए, और उससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांग होते जाएंगे। तो जैसे जैसे अपन फिजिक्स में आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नए कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे उस पर हम न्यूमेरिकल भी साथ साथ में करते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का। हम डिस्कस कर रहे हैं आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। देखिए, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हम ले रहे हैं गाइस। देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस दे रहे हैं 0.007 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 2.64 इंटू 10^24 किलोग्राम, ऑप्शन सी 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी 6.320 जूल, ऑप्शन ई 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन एफ 0.000602 मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनमें हमें सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्लियर है? ओके गाइस, तो हम इसमें सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। बड़े इजी है, सारे रूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है दैट इज 0.007 मीटर स्क्वायर। तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि अगर संख्या एक से छोटी हो तो दशमलव के राइट साइड और अशून्य अंक के लेफ्ट साइड के जीरो कैलकुलेट नहीं होते। तो यहाँ पर हमारे पास सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी, एक। नियम क्या है कि जब भी संख्या एक से छोटी हो तो पॉइंट के राइट साइड और अशून्य अंक के लेफ्ट साइड के जीरो कैलकुलेट नहीं होते, तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या एक आ जाएगी। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन 2.64 × 10^24, हमने पढ़ा है कि 10 की घात में जो कुछ होता है उसे हम सार्थक अंकों में कैलकुलेट नहीं करते, तो यहाँ सार्थक अंक केवल कितने आ जाएंगे, एक, दो और तीन। तो सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 3। क्लियर? सिमिलरली ये लिखा है 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने पढ़ा है कि जब भी संख्या एक से छोटी हो तो दशमलव के राइट साइड और अशून्य अंक के लेफ्ट साइड के जीरो कैलकुलेट नहीं होते, लेकिन जो अशून्य अंक है उसके राइट साइड के सारे जीरो कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ पर अशून्य जो हमारे पास सार्थक अंक आएंगे वो कितना आ जाएगी, एक, दो, तीन और चार। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या आ जाएगी 4। फिर क्वेश्चन लिखा है 6.320, तो हमने पढ़ा है अगर संख्या एक से बड़ी हो तो उस स्थिति में जो अशून्य अंक है उसके राइट साइड के जीरो कैलकुलेट नहीं होते नॉर्मली,
जब संख्या एक से बड़ी है तो ये एक से तो बड़ी है। तो इस स्थिति में अशून्य अंक के राइट साइड के जीरो कैलकुलेट नहीं होते, लेकिन अगर हम उसे किससे प्राप्त करें, मापन से प्राप्त करें, यानी उसके पीछे मात्रक दे रखा हो, तो उस स्थिति में हम उसमें सार्थक अंक को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। सिमिलरली यहाँ पर हम देखते हैं सार्थक अंकों की संख्या कितनी आएगी, तो ये जीरो दो अशून्य अंकों के बीच आ रहा है इसलिए कैलकुलेट होगा, यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, संख्या एक से छोटी है तो जीरो के राइट साइड और अशून्य अंक के लेफ्ट साइड के जीरो कैलकुलेट नहीं होंगे, तो ये कैलकुलेट नहीं होंगे। इस स्थिति में सार्थक अंक आ जाएंगे 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रकार हम सारे रूल्स का यूज करके किसी भी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और सार्थक अंकों की संख्या की डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है गाइस, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है। तो सार्थक अंकों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी आपके सीधे दे रखे होते हैं और पूछते हैं इसमें सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑलराइट, तो हम इसको कर देते हैं रफ और नए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, इसको रफ कर देता हूं। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन इसके पॉसिबल हो सकते हैं, केवल हमें सार्थक अंकों के सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे, और वो जब आप बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे रूल्स में से याद हो जाएंगे, क्लियर है। तो उसको रफ किया देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्रमशः, क्वेश्चन लिख लेते हैं जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही क्वेश्चन हम लिख भी देते हैं। धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई एवं मोटाई क्रमशः, चौड़ाई एवं मोटाई क्रमशः कितनी कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 4.234 मीटर कॉमा 1.005 मीटर कॉमा व 2.01 सेंटीमीटर, क्लियर। उचित सार्थक अंकों, उचित सार्थक अंकों तक इस शीट का आयतन ज्ञात कीजिए, इस शीट का आयतन ज्ञात कीजिए, क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें धातु की एक आयताकार शीट दे रखी है जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई दे रखी है, हमें उचित सार्थक अंकों तक इस शीट का आयतन ज्ञात करना है, क्लियर है। तो हम ज्ञात कर लेते हैं इसमें सार्थक अंकों की संख्या, ठीक है। एक वेरी इजी सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका। हम जानते हैं कि आयताकार शीट की, किसी भी आयताकार शीट की अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी हो तो इसका आयतन किस प्रकार से ज्ञात होगा, तो आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहाँ से हम लिख लेंगे लंबाई की जगह हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है 4.234 इंटू ऊंचाई की जगह, सॉरी चौड़ाई की जगह 1.005 और ऊंचाई की जगह दे रखा है 2.01। अब ये वाली वैल्यू मीटर में है, ये वाली वैल्यू भी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम 100 से क्या दे देंगे, इसका भाग दे देंगे, क्लियर है गाइस। तो हमें इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मैं इसको ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.08552891 मीटर क्यूब, ये मेरे पास आ जाएगा, हमारे पास इसका आयतन आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आयतन, ये मेरे पास आ जाएगा इसका आयतन। हमें क्या ज्ञात करना है, उचित सार्थक अंकों तक हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। पहली बात, इसमें अगर सार्थक अंकों की संख्या पूछी जाए हमें, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी, इसमें सार्थक अंकों की संख्या आ जाएगी, जीरो के बाद हम देखते हैं
कि जो दशमलव के बाद का जीरो है और अशून्य अंक के पहले का जीरो से कैलकुलेट नहीं करते, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या मेरे पास कितनी आ जाएगी? सार्थक अंक आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सार्थक अंकों की संख्या इसमें आ जाएगी टोटल 8। क्लियर? अब इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। तो इस प्रकार इसमें सार्थक अंकों की जो संख्या आ जाएगी गाइस, वो आ जाएगी 8, है ना। अगर इसी को मुझे पूर्णांकित करना हो तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा? तो देखिए, पूर्णांकन करने का हमने नियम पढ़ा था कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि उसके राइट साइड 5 से अधिक है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके राइट साइड में 5 से ज़्यादा है, तो पूर्णांकित होने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो हम इस आयतन को सीधे तौर पर लिख सकते हैं 0 point, ये जो लिखा है 8, तो हम 8 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 0.1 लिख सकते हैं इसको सीधा मीटर क्यूब। क्लियर है? ये मेरे पास इसका आयतन आ जाएगा अगर मैं इसको पूर्णांकित करता हूँ तो। तो इस पूरे ग्राफ कर देते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में दे रखे हैं, तो आप वहाँ से भी इनको टैली कर सकते हो, और जितने न्यूमेरिकल आप कर सको उतने कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाइए, जैसे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एरर पे है। क्वेश्चन दे रखा है कि कोई भौतिक राशि पी 4 प्रेक्ष्य राशियों ए बी सी डी से इस प्रकार संबंधित है। कोई भौतिक राशि पी 4 प्रेक्ष्य राशियों ए बी सी व डी से इस प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है? P is equal to A cube B square upon under root C into D। A B C D के मान में प्रतिशत त्रुटियां, A B C व D के मान में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1, 3, 4, 2 प्रतिशत है। तो P में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो P में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? यदि P का मान 3.736 आता है तो इसका मान किस प्रकार निकटन करेंगे? यदि P का मान 3.763 हो तो इसका पूर्णांकन कीजिए। ठीक है, यह हमें क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन को जिस प्रकार से दे रखा है कि हमें कोई भौतिक राशि P है जो 4 प्रेक्ष्य राशियों ए बी सी डी पर इस प्रकार से निर्भर करती है, और ए बी सी डी में प्रतिशत त्रुटियां 1, 3, 4, 2% दे रखी है, तो P में कुल परसेंट त्रुटि ज्ञात करनी है। और अगर P का मान हमें ये मिलता हो तो हमें ये बताना है कि इसका पूर्णांकन किस प्रकार से करें। ठीक है, पहले हम इसी का पूर्णांकन कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पूर्णांकन करना है हमें किसका? 3.763 का। क्लियर है? हमने पढ़ा कि जिस अंक का पूर्णांकन करना है यदि उसके राइट साइड 5 से ज़्यादा है तो पूर्णांकित होने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 6 है मतलब 5 से ज़्यादा, तो इस 7 में कितना जुड़ेगा? 1। तो इसका पूर्णांकन होने के बाद हम इसे लिखेंगे 3.8। क्लियर? तो ये तो इसका आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं, हमें P में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी संख्याएं गुणा या भाग में हो तो इनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती हैं। मतलब P में आपेक्षिक त्रुटि का जो मान आएगा वो A में आपेक्षिक त्रुटि प्लस B में आपेक्षिक त्रुटि प्लस C में आपेक्षिक त्रुटि और प्लस D में आपेक्षिक त्रुटि के योग के बराबर आएगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं, जब भी राशियां गुणा या भाग में होती है तो इनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी गुणा भाग में है तो इनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ेगी, लेकिन जब इनके ऊपर घात चढ़ाई जाती है तो जितनी घात है वो इनके आगे लिख दी जाती है। तो ए के ऊपर 3 घात है तो इसके आगे 3, बी के आगे 2 घात है तो इसके आगे 2,
सी के ऊपर अंडर रूट है और अंडर रूट का मतलब होता है एक बटा दो, घात एक बटा दो। डी के ऊपर कुछ घात नहीं है तो अपन नहीं लिखेंगे। क्लियर? ये तो इनकी आपेक्षिक त्रुटि है, हमें तो क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत त्रुटि। तो हम इस पूरे को किससे गुणा करते हैं? 100 से, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए आपेक्षिक त्रुटि को 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100% करेंगे तो इस सभी को अपन 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% और प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। अब ये क्या है? ये है ए में प्रतिशत त्रुटि, कितनी देर की है? 1। ये है बी में प्रतिशत त्रुटि 3, ये है सी में प्रतिशत त्रुटि 4 और ये है डी में प्रतिशत त्रुटि 2। तो सभी की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, याद आएगा 3 इंटू ए में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 1% प्लस 2 इंटू 2 में परसेंटेज त्रुटि कितनी है 3% प्लस 1/2 इंटू सी में परसेंटेज त्रुटि कितनी है 4% और प्लस डी में परसेंटेज त्रुटि है 2%। क्लियर है? यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 1 3%, 2 इंटू 3 6%, 4 अपॉन 2 2% और प्लस 2%, तो क्या आ जाएगा 6 एंड 2 एंड 2 10 एंड प्लस 3 ये आ जाएगा 13%। मतलब P में जो प्रतिशत त्रुटि आएगी गाइस वो 13% आएगी और इसका पूर्णांकन हम इससे पहले कर चुके हैं, ऊपर 3.763 को 3.8 लिखेंगे जो पूर्णांकन के नियमों से हम करते हैं। क्लियर है? ठीक, तो आई होप आपने क्वेश्चंस लिख लिए होंगे और अच्छे से समझ भी लिए होंगे। इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में हमारे कुछ थियोरिटिकल पोर्शन रह गया है, जैसे वृहद दूरियों का मापन है या अति सूक्ष्म दूरियों का मापन है या वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक ज्ञात करना है, स्क्रू गेज का अल्पतमांक ज्ञात करना है, ये कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक हमारे इस चैप्टर में अभी बाकी रह गए हैं। तो इन टॉपिक को हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपके हो जाएगा क्लोज। हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जब भी अपन फिजिक्स में आगे डील करेंगे, जब अपन भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके संबंध पढ़ेंगे, तो हमें कहीं पे कुछ मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो उन मैथमेटिकल टर्म्स को मैं आपको पहले पढ़ा दूंगा, वो चैप्टर में नहीं है आपके, लेकिन फिर भी हम उन मैथमेटिकल टॉपिक्स को पहले पढ़ेंगे समझेंगे, ताकि आगे जब अपन फिजिक्स पढ़े तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए, जब आप हिंदी पढ़ना सीखते हैं तो हिंदी पढ़ने से पहले आप अ आ ई जो है आपके बाहर खड़ी है वो सीखते हैं, इंग्लिश में आप अल्फ़ाबेट सीखते हैं, किसी तरह से फिजिक्स जब अपन आगे पढ़ेंगे तो उसके लिए हमको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। तो उन बेसिक फंडामेंटल्स के लिए हम क्या करेंगे कि आपके सिलेबस में हालांकि नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, लेकिन हम उनका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, जिससे आपको फिजिक्स जब अपन आगे डील करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, बड़े ईजी वे में आप उस सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आराम से समझ सकें। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।